Hi guys, this video is with regards to the past year paper of MH Law CT 3 and 5 years examination. ये बहुत बड़ा confusion है, doubt है, illusion बोल लो या तो लोग को ये लग रहा है कि market में paper available है. भाई market में जो भी book बोल रही है, जो भी आपको past paper मिल रहा है, that is not the actual paper. ठीक है. So what we will do, we will try to understand this video कि आपको paper मिलेगा कैसे और real paper आता भी है कि नहीं आता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज दिस वीक आई विजिटेड टू दी सेंटर एंड वहाँ पे बच्चों के डाउट क्वेरी थे इसको लेकर के. सो एंड सम ऑफ द स्टूडेंट वेयर लाइक कि सर ये पास्ट ईयर पेपर है. आई वॉज लाइक कि ये तो मुझे आज तक नहीं मिला, 7 साल सीटी लिखने के बाद तुझे कैसे मिला. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन एंड विल अंडरस्टैंड कंप्लीट स्टोरी ऑफ द पास्ट ईयर पेपर ऑफ सीईटी एग्जामिनेशन. Alright, so before I start, please share this video to everyone. जितने लोग CET लिखने वाले हैं, 5 year CET around 30,000 के आसपास लोग लिखेंगे, 3 year CET 60,000 के आसपास. Please share it to everyone so that they should also be benefited from this video and उनको भी clarity आए कि बेटा past year paper ऐसा कुछ होता नहीं है CET में. ठीक है, सबसे पहले तो जितने भी market में as I mentioned कि book available है या तो आपको जो भी resources से मिल रहा है past year paper नहीं आता है. भाई CET सेल नहीं देता है पास्ट ईयर का पेपर. मैं 2017 से सीटी लिख रहा हूँ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल सीटी लिखा है, नहीं मिलता है. अगर सीटी में पास्ट ईयर पेपर आता तो फिर हमें सीटी लिखने की जरूरत ही नहीं है. एवरी ईयर एट मेन्यूअर ऑल द फैकल्टी राइट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना. मतलब मैं खुद 10 से ज़्यादा एग्जाम लिखता हूँ एवरी ईयर जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन बन रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है. ठीक है, एंड ऑब्वियसली वो गाइडेंस के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, मॉक के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होता है, आपके टीचिंग करिकुलम में वो चीज़ ऐड होती है. ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये पास्ट ईयर का पेपर है, काइंडली डाउनलोड इट. हाँ, रेफरेंस के लिए आपको देखना देख लो, बट बाय डिफिकल्टी लेवल वाइज वेराइटीज ऑफ द क्वेश्चन वो 100% वेरी करेगी. ठीक है, बिकॉज एग्जाम में भी जाके आप लिख रहे हो तो सारे क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाओगे. 120 पूरे जो पूरे 150 क्वेश्चन है वो याद नहीं रहेंगे आपको एग्जाम में. तो जितने याद होते हैं विल शेयर टू यू पीपल. एनालिसिस हम दे देते हैं अच्छे से. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 year CET और 3 year CET का 2018 से लेके 2023 तक का मेरा जितना एनालिसिस का वीडियो अवेलेबल है. ठीक है, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. सो वो लिंक पे जाकर के आप सारे एनालिसिस देख लो और उसमें मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. प्री कोविड पेपर अलग था, पोस्ट कोविड सीटी का पेपर बहुत अलग है. अब इस साल उन्होंने नया वेबसाइट लेके आया हुआ है तो हो सकता है कि भाई कुछ और अच्छा करें. अक्टूबर से प्रिपरेशन चालू कर दिया उन्होंने सीटी के, तो हो सकता है कुछ बेटर करें. देर आई मीन आई गॉट द वन वीडियो लास्ट ईयर जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, बहुत ही अच्छा ब्रांड वाला इंस्टीट्यूट का नाम है वो. उसमें मैथ्स के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो रहे हैं जो मतलब बच्चे के देख के फट जाएंगे. आई गॉट दैट वीडियो फ्रॉम वन ऑफ द टीम मेंबर एंड दे सेड लाइक कि सर ये वीडियो आई सॉ दैट वीडियो. भाई मुझे तुरंत वीडियो बनाना पड़ा, बच्चों को गाइड करना पड़ा. ऐसे लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, इतने टफ लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं. ठीक है, ये मैं तब बोल पा रहा हूँ बिकॉज आई एम राइटिंग सीटी एवरी ईयर आई एम गिविंग द एनालिसिस. ठीक है, तो अब जिसने सीटी लिखा ही नहीं है, जिसने एग्जाम में लाइफ में कुछ एग्जाम ही नहीं निकाला है, क्रैक नहीं किया, ऐसे भी फैकल्टी दो बार टीचिंग टू द सीटी 3 years 5 years उन्होंने लाइफ में कोई एग्जाम नहीं निकाला हुआ है, कुछ क्रैक नहीं किया हुआ है, बट जस्ट सिलेबस पढ़ लिया है और पढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आप गाइडेंस किससे ले रहे हो, मेंटरशिप किससे ले रहे हो. ठीक है, एंड उन्होंने एग्जाम निकाला है या लिखा है ये सब चीज़ें मैटर करती है. ठीक है, सो वंस अगेन मुझे बोलना है सीटी रियल पेपर रिलीज नहीं करता है, सीटी का एक्चुअल पेपर नहीं आता है. ठीक है, हाँ आपको एनालिसिस में जीके के एक्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे बिकॉज वो क्वेश्चन याद करके फटाफट एनालिसिस में हम दे देते हैं तो पूरा उसके एक्चुअल क्वेश्चन मिल जाएंगे. बाकी आप बोलोगे इंग्लिश का आरसी क्या आया था तो डिफिकल्ट है वो, बिकॉज पूरा आरसी कौन याद रखेगा, वो पैसेज कैसे लिखोगे आप. ठीक है, लाइकवाइज आपका लीगल के फैक्ट प्रिंसिपल कौन लिखते बैठेगा. तो एक आपको जिस्ट मिल जाता है कि हाँ कितने टाइप के वैराइटीज के क्वेश्चन थे एनालिसिस, और कुछ में तो मैंने लॉजिक के क्वेश्चन सॉल्व भी करवाए हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन कुछ जहाँ जहाँ याद था वो कर लिया हुआ है. ठीक है, बट पूरा पेपर याद नहीं हो पाता है भाई, और पेपर आता नहीं है बाहर. पेपर आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो हमें सीटी लिखना नहीं है, फॉर्म भरने का 1000 रुपया क्यों खराब करना. राइट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पास्ट ईयर पेपर नहीं आता है. जितने लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हो, वेदर यू आर मेनुअल लाइव क्लास क्लासरूम स्टूडेंट और यू हैव सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, पास्ट ईयर सीईटी का पेपर नहीं आता है. बोल्ड में मैं लिख दे रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ, नहीं आता है. ठीक है, हाँ अभी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, नज़दीक आने वाला है, तो मैं एनालिसिस देते जाऊँगा, थोड़ा और गाइड करते जाऊँगा आपको. वेटेज वाइज में आई कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट द विद रिस्पेक्ट टू द सेक्शन. ठीक है, और बाकी मेरे एनालिसिस वाला वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा. मतलब मैंने ये भी वीडियो बनाया कि लास्ट 5 साल में क्या हुआ है.
ठीक है 19, 20, 21, 22, 23 उसके एमएसएस का भी वीडियो मैंने दिया, उसके बेसिस पर 2024 में क्या हो सकता है वो भी मैंने बताया हुआ है। पोस्ट कोविड चीज़ें चेंज हुई है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। सो ट्राई टू टेक गाइडेंस मेंटरशिप फ्रॉम द पीपल दो जो ऑलरेडी क्लियर द एग्जाम, जो ऑलरेडी टीचर है, फैकल्टी है, कुछ फोड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक तरीके से गाइडेंस बन पाएगा। ठीक है, अगर आप रॉन्ग गाइडेंस, रॉन्ग प्लानिंग, रॉन्ग स्ट्रैटेजी के साथ जाओगे तो फिर भाई साल में सिटी एक ही बार आता है। सो अपने को अपने करियर के साथ तो पहले खेलना नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अपने पास एक साल खराब करने के लिए नहीं है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई वन ईयर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, सो प्रिपेयर वेल, पूरे महीने के साथ पढ़ाई करो और अच्छे रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई करो। यू गॉट द मेन्यूअर बुक, बट उसके साथ साथ जो आपके टीचिंग के लेक्चर्स में जो क्वेश्चन होता है वो एक अलग होता है, फिर आपका मॉक में क्वेश्चन अलग होता है, फिर टॉपिक वाइज अलग होता है, और एग्जाम के पहले आई टेक द वर्कशॉप ऑल्सो। तो मतलब कुछ छूटा ही नहीं है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से मेहनत कर रहे हो, जो जो हमने गाइड किया, आपको रिसोर्सेज दिए हुए हैं, वो आप कर रहे हो, तो आप फोर हो गए। मतलब आई वॉन्ट थ्री थिंग्स फ्रॉम योर साइड, या तो मैं सी डी में टॉप मारूंगा, या तो मैं GLC जाऊंगा, या तो मैं IELTS जाऊंगा। ये तीन नहीं हुआ, अगर स्कोर कम है तो फिर अपने को लो ग्रेड कॉलेज में या तो उसके नीचे वाले कॉलेज में जाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्रिपरेशन को लेके एट मेनमोर वी हैव लॉन्च बैचेस, लाइक के लिए ऑनलाइन टीम को कॉल कर सकते हो आप। क्लासरूम के लिए वी आर लोकेटेड इन मुंबई, बोरीवली, वसई, दादर, थाने, अंधेरी। अगर आप सेंट्रल लाइन में हो, थाने और दादर विजिट कर सकते हो, ठीक है, और अगर आप वेस्टर्न लाइन में हो तो आप यू कैन विजिट वसई, अंधेरी एंड बोरीवली इज देयर, एंड अगेन थाने, एंड अगेन दादर इज देयर। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन ने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, काइंडली चेक डिस्क्रिप्शन। सो भाई इस इल्यूजन में मत रहो कि पास्ट ईयर पेपर मिलता है, आता है, और ये तो पास्ट ईयर पेपर बहुत ईजी था, ये तो मतलब यार ईजी है तो कर लेंगे अपन, तो वो एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है गाइस। ठीक है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पास्ट ईयर पेपर ऐसा कुछ आता नहीं है, इसलिए आपको जो सिलेबस दिया CDSL ने वो पूरा प्रिपेयर करके जाना है, एंड एग्जाम में कुछ भी आ जाए हम अच्छा करेंगे। प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।